दिन दहाड़े टैंकर से डीजल पेट्रोल की चोरी हो रही है। वहीं इस घोटाले में ड्राइवर की भूमिका के साथ साथ पुलिस प्रशासन भी संदेह के घेरे में है। ड्राइवर से 30 से 35 रुपए प्रति लीटर की दर से ईंधन खरीदता है, जिसके बाद तस्कर उससे 60 से 65 रुपए प्रति लीटर की दर से ट्रांसपोर्टरों को बेचता है। वहीं एसटी यमराज शर्मा ने टैंकरों से डीजल पेट्रोल की चोरी और अवैध भंडारण में लगे व्यक्तियों के ऊपर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। डीजल पेट्रोल का कटिंग बहुत पहले से चल रहा है, उनको अवगत करा चुके हैं पूर्व में थाना प्रशासन को, शासन प्रशासन को, लेकिन जो जो कटिंग करते हैं उनके हौसला तो बहुत बुलंद है। वो जब भी उनको समझाने जाए या तो शासन प्रशासन के थ्रू उनको समझाने के लिए बोलते हैं तो वो बोलता है हमारा सबसे अच्छा सेटिंग है कि जो भी व्यक्ति डीजल की चोरी और उसको स्टॉक भंडारण करने के लिए संलिप्त है उन लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करें और उनकी जितने भी स्टॉक उसको जब्त करके उनके ऊपर उचित धाराओं में कार्रवाई करने के लिए। पथलगास।